हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के गोल्स क्या हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम बात करेंगे ISO OSI मॉडल की, कि ये क्या होता है, और हम ये भी देखेंगे कि ISO OSI मॉडल में जो लेयर होती है उनके क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग ISO OSI मॉडल का फुल फॉर्म देखते हैं। ISO OSI एक एब्रीवेशन है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यह एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो नेटवर्क को संचार के सभी पहलुओं को शामिल करता है, और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल यह एक नेटवर्क आर्किटेक्चर को समझने और डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। तो यह होता है हमारा ISO OSI मॉडल की सिंपल डेफिनेशन। अब हम देखते हैं ISO OSI का डायग्राम। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ISO OSI मॉडल्स की टोटल 7 लेयर्स होती है, जिसमें लेयर 1 फिज़िकल लेयर, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 नेटवर्क लेयर, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 5 सेशन लेयर, लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर, और लेयर 7 जो है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट लेयर की, जो है हमारा फिज़िकल लेयर। जैसा हमने डायग्राम में देखा, यह मॉडल की पहली और लास्ट लेयर होती है। हम जब भी डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं, उस समय हमें जितने भी फिज़िकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है वो सब ये लेयर प्रोवाइड कराती है, और साथ ही ये लेयर हमें ये भी बताती है कि डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट और रिसीव होगा। फिज़िकल लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच में फिज़िकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने और टर्मिनेट करने का भी काम करती है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ISO OSI मॉडल की सेकेंड लेयर की, जो है हमारी डेटा लिंक लेयर। जब हमारा फिज़िकल लेयर के थ्रू फिज़िकल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद में डेटा लिंक लेयर का काम शुरू होता है। डेटा लिंक लेयर सभी डेटा पैकेट्स को इकट्ठा करती है और नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट करती है। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन को मेंटेन करने का भी काम करती है। अब हम लोग बात करते हैं ISO OSI मॉडल के थर्ड लेयर की, जो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर डिफरेंट पाथ्स और वे को सर्च करता है जिस पे हम हमारे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेटवर्क लेयर साथ में नेटवर्क के ट्रैफिक और डेटा पैकेट के साइज़ को भी मेंटेन करता है। नेटवर्क लेयर डेटा पैकेट के IP एड्रेस का यूज़ करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पैकेट को ट्रांसफ़र करता है। जब भी हम डेटा पैकेट को भेजते हैं और अगर उसमें कोई एरर आए तो उसे भी नेटवर्क लेयर ही चेक और ठीक करता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ISO OSI मॉडल के फोर्थ लेयर की, जो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जब अपर लेयर से डेटा पैकेट को रिसीव करता है और सभी डेटा पैकेट्स को उनके सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल भी करता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ISO OSI मॉडल के फिफ्थ लेयर की, जो है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशंस के सेशन प्रोवाइड करने और ब्रेक करने का काम करता है। जैसे कि
हम लोग हमारे कंप्यूटर से अगर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारा कंप्यूटर और वेबसाइट सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो कनेक्शन, जो सेशन होता है वो प्रोवाइड कराता है हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर डायलॉग कंट्रोलर का भी काम करता है और साथ में सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ISO OSI मॉडल के सिक्स्थ लेयर की, जो है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट और कंप्रेस करने का काम करता है और साथ ही डेटा रिसीविंग एंड पे किस तरीके से प्रेजेंट करना है उसका भी ध्यान रखता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ISO OSI मॉडल के लास्ट लेयर की, जो कि है हमारी सेवन्थ लेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर हमें एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है और साथ ही हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट फाइल एक्सेस जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। थैंक यू एवरीवन। इसके आगे हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।